देखिए सुधांशु पहली बात जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा नेताओं की कारपेट कि अमी बॉम्बिंग क्यों याज्ञिक पूछ जी रही ने हैं? हाँ अमी याज्ञिक जी ने एक बड़ा अच्छा काम मैं पूछ रहा है बता रहे हैं। देखिए एक तो बड़ा अच्छा काम किया अमी याज्ञिक जी ने, कम से कम स्वीकार कर लिया, दो बार बोला कि कांग्रेस परिणाम भुगत चुकी, खामियाजा भुगत चुकी, यानी जो कुछ सोनिया गांधी जी से लेके मणिशंकर अय्यर जी और अन्य अन्य लोगों ने मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था वह गलत था, खामियाजा भुगत लिया या स्वीकार कर लिया। दूसरी बात कहता हूं, काम बोलने की बात, आपने कहा बहुत सी रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्टों का तो आइडिया नहीं, परंतु मैं फैक्ट बता दे रहा हूं, एक एक आंकड़ा और दो अभी जो आंकड़े कल ही आए। जब हमारी मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, सॉरी मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, गुजरात 99,000 करोड़ रुपए का जीडीपी था गुजरात, आज 19 लाख करोड़ का है, यानी 19 गुने की वृद्धि 20 वर्ष में हुई, यह एक आंकड़ा है। आपने दूसरा आंकड़े की बात कही, कल आईएमएफ का डाटा आया है, क्या डाटा आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 6.1% से ग्रो करेगी, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे, चाइना 4.4 से करेगा, यानी हमारी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं में हम सबसे आगे हैं। तीसरा, बेरोजगारी की बहुत बात ये लोग करते थे, केवल 2 महीना पहले अंजना जी याद करिए, कहते थे बेरोजगारी पिछले 4-5 वर्षों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा 8.3% था और वो आंकड़ा सीएमआई ने दिया था, और उसी सीएमआई ने अभी जो आंकड़ा दिया है कि सितंबर के महीने में अब बेरोजगारी की दर 6.4% हो गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है, यानी प्री कोविड के स्तर से भी हम नीचे ले जाने में सफल हुए हैं, वह मैंने फैक्ट के साथ बोल दिया। अच्छा, तीसरी बात जो आप ये कहती हैं कि साहब उनको आकर इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, तो हम तो सिर्फ सिंपल सी बात कह रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग ही समाप्त कर दीजिए, और झूठ और सच क्या होता है, जो आपने कहा ना कि पुराने समय में आकर पुरानी बातें उखाड़ना, हम तो सिर्फ एक बात, एक फैक्ट रखना चाहते हैं। अंजना जी, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, जब 2007 में बोला था सोनिया जी ने, तो सिर्फ मौत के सौदागर नहीं बोला था, कहा झूठे बेईमान और मौत के सौदागर हैं गुजरात चलाने वाले, और फैक्ट यह था कि 2007 का एक अद्भुत उदाहरण है, जानते हैं गोधरा के मामले की जांच की एक कमेटी रेलवे ने बना दी थी, कभी ऐसा नहीं होता कि दंगे की जांच रेलवे करे, और रेलवे कमेटी रिपोर्ट जानते क्या दी थी, कि दरवाजे अंदर से बंद थे, स्टोव फट गया था और सारे दरवाजे लॉक हो गए थे, और इसलिए 60 लोग जल के मर गए। अगर अमित याज्ञिक जी आपको याद हो, बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट याद है ना, इसे कहते हैं झूठ और बेईमानी, इसलिए मैं पूरे वाक्य को बताना चाहता हूं, इसे कहते हैं मौत की सौदागरी, इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं, विकास हो आज की ग्रोथ हो, 20 साल का विकास हो आज की रोजगार बेरोजगारी और रोजगार के अवसर की बात हो अथवा अपशब्दों की बात हो, गुजरात की जनता बहुत स्पष्ट देख रही है। और एक लाइन और कह दूं, हमारी गुजरात गौरव यात्रा निकल रही है, जिसमें एक गौरव यात्रा द्वारका से पोरबंदर भी चलेगी, मगर आपकी भारत जोड़ो यात्रा गांधी के धाम को टच नहीं कर रही है, पोरबंदर को टच नहीं कर रही है, सरदार पटेल एक बार अमी बहन जी जवाब दे ले, फिर रवि जी आ रही हूं आपके पास, नेहरू जी और इंदिरा जी के धाम को टच नहीं कर रही। हाँ जी, राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात को छू भी नहीं रहा। जी जी नहीं, अंजना जी पहले तो मैं ये बात बता दूं कि उन्होंने बार बार 5-7 अपमानित शब्द प्रधानमंत्री जी ने बताए बोल के, उनकी स्पीच आप देखेंगे, बताएंगे तो निकलेंगे कि ये सब मुझे कहा तो आपने देखा कि गुजरात की प्रजा ने अपमान नहीं सहन किया तो ऐसा किया। तो ये जो सुधांशु जी तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, वरना उन वो ठीक है, उनको तो स्क्रिप्ट दिया जाता है, अभी ये जो स्टॉव की बात, ये सब बातें अभी करने की कोई मतलब नहीं है। वो बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, वो इकोनॉमी पे नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि हर गुजराती के सर पर 56,000 का देवा है, मींस उनके ऊपर ये इतना पैसे का देवा है, इतना डूब गई है गुजरात सरकार। या गरीबों को अन्न देते हैं तो उसमें 3 करोड़ लोगों की भी अभी स्टडी आई है, उनको देख लेना चाहिए, स्टडी आने से पहले वो देख स्टडीज देख लेनी चाहिए। हम ये बात करते 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा है 130 करोड़ की जनता में से, और आप ये बता नहीं सकते कि भाई आप शिक्षा की व्यवस्था क्या कर रहे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात आ रहे हैं तो बताएंगे कच्चा मैंने ये यहाँ पे यहाँ किया था, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगार है, और सरकारी शालाएं बंद है, और लॉ एंड ऑर्डर का तो मैंने सिचुएशन बताया कि भर जाहिर रोड पे, पब्लिक रोड पे गला काट दिया, लोग देखते रहे, कुछ हुआ नहीं।
और वो लड़की गुजर गई सबके सामने, दूसरा भी ऐसा केस हुआ, तो ये सारी चीजें बतानी चाहिए। दीज आर सोशल इंडिकेटर्स, ये सब तय करते हैं कि समाज कितना आगे जाएगा, गुजरात कितना आगे जाएगा। हाँ। और ये जो बातें बताते हैं सारी कि ये टिप्पणियां क्यों नहीं, इतनी हेट स्पीच आजकल हो रही है। हाँ। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं, तो बंद हो जाता है, पर कभी भी नहीं कहते एक भी बीजेपी के व्यक्ति ठीक है हेट स्पीच पर। मैं उनसे फौरन सवाल करूंगी आपने ऐसा क्यों, लेकिन मेरे सवाल का अमी बेन जी आपने जवाब नहीं दिया, मैं पूछूंगी उनसे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मैडम। हाँ अंजना जी, वो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, और जिस तरह जा रही है जब तक वो गुजरात पे पहुंचेगी तब तक तो इलेक्शन खत्म हो गया होगा। तो ये सब सोच के, क्योंकि ये एकदम बीच में से आप एकदम आके बीच का निकाल दो, सीधे जा रही है कश्मीर तक, तो ये जिस तरह सा रूट सोचा होगा, क्योंकि चल के जा रहे हैं, ना तो गाड़ी में जा रहे हैं, ना तो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ना तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा इसमें ठीक है, इलेक्शन तो अब और भी राज्य में आएंगे, पर ये भारत जोड़ो का जो मतलब है कि सब जो टूट फूट हो गई है देश में, सोशल फैब्रिक सोसाइटी डिवाइड हो गई है। जवाब दीजिए, वोकैबुलरी में मैंने बोला ना, ऐसे ऐसी लैंग्वेज थी नहीं हमारे बच्चों और यूथ के पास, तो ये लैंग्वेज आ गई है डिविजन। हाँ वो भी जवाब दे देता हूं, हेट स्पीच पर जरूर बोलिएगा। अमी याग्निक जी ने एक अच्छी बात कही, बोलिए पहले एक लाइन ये बोल दूं, 18 दिन केरल में और 18 घंटे भी गुजरात में नहीं, यह उनकी भारत यात्रा का यानी गांधी और पटेल के क्षेत्र का प्रति न्याय कोई बात, हेट स्पीच बोलता हूं, इनके मुंह से एक बहुत अच्छी बात निकली, इन्होंने कहा हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, बच्चों को हेट स्पीच याद रहती है। हम तो कहते हैं जिसने सर काटा है, जिसने हत्या की है, सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी और उन लोगों को घर से निकालकर फांसी देनी चाहिए। अमी याग्निक जी बोलिए, सर तन से जुदा के नारे पर कितनी बार बोला आप लोगों ने,